नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपना महाद्वीप वाला चैप्टर चल रहा है और कल अपन ने पढ़ लिया है। कौन सा पढ़ा था कल? मेरे दिमाग कैसा हो गया, याद भी नहीं रहता। कल पढ़ा था अपन ने यूरोप, ठीक है, और आज अब पढ़ने जा रहे हैं अपन उत्तरी अमेरिका। यूरोप के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने सारी स्थिति समझी थी। देखो साथियों, सभी चीजों को पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे कहीं पे ट्रिक्स काम करती है, कहीं पे मैप्स काम करते हैं, कहीं पे फैक्ट काम करते हैं सभी, और जहां पे जो चीज काम करती है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे विश्व के जीके में और महाद्वीप में यदि आप मैप नहीं समझोगे तो आपके लिए वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं निकल जाएगा। यदि यहाँ पे मैं यदि कोई ट्रिक घुसेड़ भी दूं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस ट्रिक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट पूछे जाते हैं, और उसके अलावा यदि आपके दिमाग में मैप है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को सही कर सकते हैं। यदि आप विश्व के मानचित्र से परिचित नहीं है तो आप उन प्रश्नों को सही करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए मैं बात-बात पर मैप शामिल करता हूं और आपकी पूरी मतलब शंका जो होती है उसको समाधान करने की कोशिश करता हूं। मेरे प्रयास है जहां पे जो चीज बेटर होगी उस टॉपिक को समझने में, वहां पे उस तरीके से अपन समझेंगे, ठीक है। साथियों, क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज बताऊं आपको कि देसी घी बनने की प्रक्रिया कहीं है, ध्यान है कि देसी घी बनाने वास्ते सबसे पहला चीज है प्योर दूध चाहिए, तब देसी घी बनेगा। दूध जो है वो है ऑथेंटिक पुस्तक है, जो आप लोगों के लिए मेरे पास में, मैं जितनी क्लासेस बनाता हूँ सारी वो उनका सहारा लेकर ही देता हूँ, ठीक है। तो वो ऑथेंटिक पुस्तक है, यानी कि सबसे प्योर दूध पहले से आ गई, ठीक है। अब मतलब प्योर दूध सीधा ही घी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसके बाद में उसको बनाना मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है बेहतरीन दही के अंदर। तो वो बेहतरीन दही जो होता है वो होते हैं नॉट्स, ठीक है। नॉट्स कह दो चाहे स्लाइड्स कह दो, ठीक है। तो वह चीज आपके लिए फिर मैं तैयार करके ले आता हूं, ठीक है। उसके बाद में फिर उससे बनाया जाता है मक्खन, ठीक है। और ये क्या है, ये क्लासेस जो है वो आपके लिए मक्खन है, ठीक है। अब इस मतलब इतने ये प्रक्रिया से आपके पास में क्लासेस आ रही है, समझ लेना इस चीज को। ये मक्खन है, और इसके बाद में फिर मक्खन जो है उसको फिर वापस परिष्कृत करके, गर्म करके, और फिर घी बनाया जाता है। और वो घी है आपके लिए वन लाइनर और अपनी टेस्ट सीरीज। अब ये घी जो होता है ना, ओरिजिनल घी हजम करने के लिए मतलब मजबूत मारवाड़ी में क्या मजबूत कोटो होना जरूरी है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम बहुत तगड़ा चाहिए, तब जाकर ओरिजिनल घी मजबूत हजम हो पाता है। अब आजकल वैसे देखो पुराना बूढ़ या बहुत देसी घी खाओ तो आजकल ना जो जवान है बाणे भी टक्कर दे दे। मैं जहां योगा करने जाता हूँ वहीं एक 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग साथी हैं जो मतलब 30-35 राउंड बिना रुके हुए काट लेते हैं भागकर, और हमारे देशों को कहो तो 5 राउंड में भी नानी याद आ जाती है, ब्योमो लेना पड़े बीच में, और वो 30-35, यानी कि ये होते हैं देसी घी की ताकत। और इसका असर तो अब देखने को मिलेगा। तो ये है साथियों, अब आपको हर चीज की बता दी कि कहाँ पे किसकी तुलना कहाँ से की जा सकती है। बाकी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्यार्थी खुद कहते हैं। चलिए बातें खूब हो गई। क्लास के पहले ये एक आप भी जब कहीं क्लास लें स्कूल में या, तो वो माहौल बनाना जरूरी होता है, तो ये चीज वहां पे ताकि स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं तब तक। अब अपन क्लास लेने की कंडीशन में आ चुके हैं, अब लेते हैं अपन क्लास। तो आज पढ़ने जा रहे हैं साथियों अपन उत्तरी अमेरिका। अमेरिका भी दो है महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका यानी ऊपर की तरफ है, दक्षिणी अमेरिका नीचे की तरफ है। आज पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका, सोमवार को पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की खोज जो है साथियों कोलंबस ने की। अब कोलंबस बेटर निकले हो इंडिया की खोज वास्ते, ठीक है। इंडिया की खोज के लिए निकला यूरोप से, इटली के जिनोवा का रहने वाला था और फंडिंग इसको कोई नहीं कर रहा था तो स्पेन ने फंडिंग की थी। शॉर्ट में बता रहा हूं, हालांकि मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे इसकी जानकारी है पूरी कि कैसे फंडिंग की, कितने जहाज लेकर निकला, कौन से नीना पिंटा वगैरह इसके जहाज थे ऐसे, लेकिन वहां ये आपके काम नहीं आएंगे तो, क्योंकि ये ज्योग्राफी की क्लास है और वो भी आपके फर्स्ट पेपर की है। यदि स्पेशली ज्योग्राफी की होती तो वो भी बता देते। तो कोलंबस निकला था इंडिया की खोज के लिए। अब इंडिया की खोज के लिए निकला, इंडिया की खोज के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ के गर्म मसाले और सिल्क बहुत प्रसिद्ध था। तो वैसे देखो बहुत दुर्गम रास्ता था इंडिया आने का, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना, ये नाविक था तो इन्होंने सोचा क्यों ना मतलब समुद्री रास्ता ऐसा शॉर्टकट तलाशा जाए जिससे इंडिया पहुंचा जा सकता। इंडिया की खोज के लिए निकला और ढूंढते घूमते फिरते पहुंच गया
अमेरिका, ठीक है। तो फिर नई दुनिया नाम दे दिया इसको, अमेरिका पहुंच गया। तो ये है साथियों सबसे पहला ही फैक्ट है, 1492 में इटली के नाविक कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, ठीक है। अब कोलंबस ने खोज की है लेकिन फंडिंग जो की थी, ये इटली का नाविक था लेकिन फंडिंग जो की थी वो स्पेन ने की थी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अमेरिका का नाम जो है साथियों वो अमेरिको वेस्पुची ने दिया है, अमेरिको वेस्पुची ने नाम दिया। यानी 1492 के अंदर कोलंबस ने खोज तो कर ली, लेकिन 1492 के बाद 1507 के अंदर अमेरिको वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम दिया गया। ये अमेरिको वेस्पुची जो थे अमेरिका के प्रथम अन्वेषक थे, और इन्होंने यहां अन्वेषण किया और बताया कि ये नई दुनिया, एशिया नई दुनिया नहीं है, ये नई दुनिया है, इसलिए इस महाद्वीप को नई दुनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब उपनाम क्यों है वो भी यहां पे चीज आ गई, और जो आपको समझनी थी वो भी चीज उपनाम से पता चल गया। और 1507 में अमेरिका नाम कब दिया गया, 1507 में अमेरिका नाम दिया गया, 1492 में खोज हुई थी, ठीक है। तो कोलंबस ने ऐसे एक यात्रा नहीं की, कोलंबस ने और यात्राएं की, तीन यात्राएं की थी वैसे, ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 16.3% हिस्सा रखता है अमेरिका, और यहां पर विश्व की कुल जनसंख्या का 9% निवास करती है, ठीक है। ये अमेरिका जो है ये भी ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश देश के, इनके ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हुए, ठीक है, अमेरिका भी। और यहाँ से ज्यादातर जो कैदियों को यहाँ पे भेज देते थे, और फिर बाद में रेड इंडियंस वगैरह, ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं, तो यहाँ पे अपन इसको मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है इसके बीच में से गुजरती है। अब यहाँ पे यदि देखोगे 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये है, ठीक है, देखो बिल्कुल सेंटर से। ये मैप शेयर करूंगा ना यहाँ पे, अभी आपको भले 100 नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है, ये जब मैं मैप शेयर करूंगा पीडीएफ के माध्यम से, इसको कितना ही जूम कर दो फटेगा नहीं, अच्छी क्वालिटी का मैप है और व्यवस्थित लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको फिर बाद में देखना अच्छी तरीके से, 100 डिग्री। अब एक बाइडो कह के गुरु जी मैप की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ पे फैक्ट पूछे जाते, अरे भैया आपको पता ही नहीं है कहाँ पे किसकी आवश्यकता है, यदि आपको पता होता तो आप क्लास नहीं देख रहे होते। तो ये है चीज, जहां पे जो चीज है जरूरी उसको एक्सेप्ट किया करो, इमे रह जाओ नहीं। तो 100 डिग्री देखो यहां से निकल रही है, बिल्कुल सेंटर से इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये एक जरूरी फैक्ट है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के मध्य से गुजरती है, ठीक है, देख लिया आपने हाथों हाथ, यानी छप गया दिमाग में, ठीक है। उपनाम नई दुनिया क्यों है बता दिया। ये महाद्वीप त्रिभुजाकार महाद्वीप, देखो देखने से ही पता चल रहा है, कहने की किसी को आवश्यकता ही नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों है, मैं सिर्फ फैक्ट बताता, ये त्रिभुजाकार महाद्वीप है, चौरारे लिख दो त्रिभुजाकार महाद्वीप, ठीक गुरुजी, लिख दियो रट्टो मार रिया, ठीक है, कोई मतलब कौन, ये देख लो ना त्रिभुजाकार है और बस दिमाग में छप गया, क्यों प्रेशर लेना फालतू, ठीक है, टेंशन लेने क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने ट्रेडमार्क पैटर्न पर। अमेरिका जो है उसके उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या, इस चीज को समझते हैं, और ये अच्छा पैटर्न है मेरे ख्याल से, इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो ये उत्तरी अमेरिका है महाद्वीप, ठीक है, जैसा आपने यहाँ पे देखा है इसमें ही, चलिए मैप अभी आपको वापस बता दूंगा, ये उत्तरी अमेरिका है। अब इसके उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो अलास्का, ठीक है, ये अलास्का, इसी का क्षेत्र, अलास्का की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, अलास्का की खाड़ी है, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो ग्रीनलैंड, ठीक, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है महाद्वीप के अंदर, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो इस पे डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है, डेनमार्क के अधीन आता है ये, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड जो है ना, ध्यान रखना, चलिए लिख देता हूं ताकि, वैसे मैप में आएगा लिखा हुआ, चिंता न करें। और फिर आते हैं अपन दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम के अंदर देखेंगे तो यहां पे प्रशांत महासागर है, ठीक है, यहां पे कैरेबियन सागर है, यहां कैरेबियन सागर है और कैरेबियन कंट्रीज है, कैरेबियन सागर के अंदर ही छोटे छोटे द्वीप है, वो कैरेबियन कंट्रीज जैसे क्यूबा, जमैका, वेस्ट इंडीज कहते हो ना आप, तो वो वेस्ट इंडीज वाले जो द्वीप है वो यहाँ है, ये वेस्ट इंडीज। यदि इसके पूर्व में देखा जाए
तो वहां पे आपके आ जाएगा अटलांटिक महासागर। तो अमेरिका के आसपास क्या है वो चीजें यहां से आपको समझनी है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका। अब एशिया इधर क्यों लिखा है, यदि आप मैप में देखते हो, आपको मैप बताया तो एशिया तो उस तरफ था, मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। यदि अमेरिका से फिर इधर आएंगे फिर एशिया ही आएगा, ठीक है ना, तो पृथ्वी गोल है। तो एशिया और अमेरिका को जो पृथक करती है, जोड़ती है, मतलब बीच की जो योजक कड़ी है वो है आपके बेरिंग जलसंधि। यानी पूछ ले कि अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी, तो बेरिंग जलसंधि। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, ठीक है, यहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। तो ये बेरिंग जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है आपके पनामा नहर, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा था स्वेज नहर, एक पढ़ा पनामा नहर। तो पनामा और स्वेज विश्व की वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहरें हैं। यदि पनामा नहर में की नहर की खासियत भी है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम भी करती है, ठीक है। ये चीजें आपको सभी ध्यान में रखनी है, ठीक। वैसे ये चीजें अपने गाइड में भी है और वन लाइनर में तो वैसे आनी ही है, उसकी चिंता ही मत करो, वो घी है बताया ना, तो घी के लिए तो तैयार है। अब कई जना जोर भी पड़ा कि गुरु जी तो लिखी दे नहीं माओ, तो वो चीजें वन लाइनर में ये तो मिलती है, क्लास तो मिली है आपको, साथ में एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें मिली है जो मैं मुंह से बोलता हूँ और कई चीजें मुंह से बोल नहीं पाता हूँ, अंदर ही रह जाती वो भी चीज। क्योंकि देखो क्लास तो क्या है, अब मैं 40 मिनट की क्लास 30 मिनट की क्लास यहाँ खड़े खड़े ले रहा हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, निकल के क्या आ रही है वो बाद में ही पता चलता है। लेकिन जब टेबल पे बैठकर बुक राइटिंग की जाती है तो जितनी चीजें दिमाग में आती है उनको व्यवस्थित रूप से और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुत किस तरीके से करना है, इसलिए पुस्तक लेखन लेखन के फील्ड में मैं आया कि प्रस्तुत किस तरीके से करना है कि विद्यार्थी याद रख सके, वह चीज अपनाने के लिए पुस्तकें लिखनी पड़ी। नहीं तो फिर वही ढर्रे वाली बात है कि हाँ भाई कोई विकल्प ही नहीं है तो पढ़े क्या, पढ़े वही ढर्रे पर आ रही है उन्हीं को पढ़नी है, तो विकल्प के लिए कुछ है ही नहीं, उपलब्धता ही नहीं है, फिर क्या पढ़े। तो इसलिए ये विकल्प अब आने वाले समय में देखना, आने वाले समय में आपको बहुत सारी वन लाइनर्स देखने को मिलेगी, न सिर्फ मेरी बल्कि और भी राइटर्स की देखने को मिलेगी, क्योंकि एक क्रांति की शुरुआत एक जना करता है, उसके बाद में बहुत जने शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये अब आ गया आपके सामने अमेरिका का पूरा मैप, ये है राजनीतिक नक्शा, ये है फिजिकल मैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये भौगोलिक नक्शा है, इसके अंदर आपको सारी चीजें वे मिलेगी जैसे कि झीलें हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, वो सारी चीजें उनकी लोकेशन, ठीक है। और कंपैरिजन में साथ में मैंने आपको राजनीतिक नक्शा दिया है ताकि वही चीज आप देश भी देख सको। ये स्लाइड जब आपके पास में आएगी ना आप किंग हो। अब ऐसे क्या ऐसे रंगीन में मतलब गाइड के अंदर नहीं दे सकते मैप, तो इसलिए ये क्लास आवश्यक हो जाती है। अब कई जना कहते हैं गुरु जी क्लास वाली चीज गाइड में कौन, अरे क्या अंदा दे कैसे बताओ, ये कैसे दे, और फिर ये देंगे फिर उसकी कीमत कितनी बढ़ेगी, फिर आप जैसे कोई भाई बंधु कहेंगे गुरु जी कीमत बढ़ेगी, सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है ना। तो आपको तो ये चीज है कि आपको पुस्तक पढ़ने को मिल रही साथ साथ आपको गाइड भी मतलब यहाँ पे समझने को भी मिल रहा है, तो ये चीज है साथियों। अब देखो अब अपन ने जो पढ़ा उस चीज पे आते हैं, ठीक है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आप देखोगे पूर्व में अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये बरमूडा ट्रायंगल आ गया यहाँ पे। उत्तर में ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, सबसे बड़ा, और ये लिख रखा है डेनमार्क कोष्टक के अंदर, यानी कि डेनमार्क के अधीन है ये, ठीक है। फिर ये ऊपर आ जाएगी आपके बेफिन की खाड़ी आ जाती है, ये बेफिन आइसलैंड है और बेफिन की खाड़ी, यहाँ पे ये हडसन की खाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर वाला जो देश है ये कनाडा है, यहाँ बीच में आपके 50 राज्यों से मिलकर एक संघ बना हुआ है जो यूएसए है, ठीक है, 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ संघ है जो यूएसए, इनके सबके अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग मतलब अमेरिका के झंडे में 50 तारे हैं, वो इन्हीं का प्रतीक है। यहां मेक्सिको आ गया, तो ये कैलिफोर्निया गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। ये कैरेबियन सागर आ गया, और ये देखो ये क्यूबा है, कैरेबियन सागर के अंदर देखा जाए सबसे बड़ा द्वीप है क्यूबा, यहाँ पे ये जमैका है, ये जमैका देख पा रहे हो आप, ये कैरेबियन सी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये चीजें ध्यान में रखना। ये बरमूडा, और यहाँ पे आपने सुना भी होगा बरमूडा ट्रायंगल, जहां पे मतलब यहाँ की प्राकृतिक दशा ही ऐसी है कि ऊपर से विमान नहीं गुजर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई यहाँ पे, ये है गल्फ ऑफ अलास्का,
अब यहां अलास्का आ गया, माउंट मैकिनले यहां पे है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो ये चीजें जब मैं शेयर करूंगा देख लेना। अब यहाँ पे ये ग्रेट फाइव लेक्स है, ये जो है महान झीले कहा जाता है वो ग्रेट फाइव लेक्स है, ठीक है। और इसके अलावा आपके अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला ये है जिसकी तुलना अरावली से की जाती है, वो अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला आ गई, ठीक है। यहाँ पे डेथ वैली है, ठीक है, ये डेथ वैली। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर अभी अपन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर और जैसे जैसे ये सैन फ्रांसिस्को, ये लॉस एंजल्स जो फिल्म सिटी के नाम से, आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हो ना, फिल्म सिटी के नाम से लॉस एंजल्स और ये सैन डिएगो, ये सारी चीजें हैं साथियों इसके अंदर। और यहीं पे आ जाते हैं अपन राजनीतिक नक्शे पे, तो फिर ये यूनाइटेड स्टेट है, 50 राज्यों, वॉशिंगटन डीसी जहाँ विश्व बैंक का मुख्यालय भी है, ये न्यूयॉर्क है, यहाँ पे ये बोस्टन है, बोस्टन टी पार्टी अपन विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं अमेरिका की क्रांति से संबंधित, ठीक है ना, ये 68 आ गया, ये सारी चीजें। ये अलास्का देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अलास्का, ये चीजें हैं। चलिए और कुछ इसमें वैसे अभी बताऊंगा आपको व्यवस्थित रूप से सारी चीजें, ये चीज जो जो खास खास थी वो मैंने आपको बता दी कि ये आपको व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना। ये देखो सिडनी, मैच देखते हो तो काफी बार आपने सुना होगा नाम, है ना, ठीक है। चलो ये चीजें आ गई, अब चलते हैं अपन आगे, ठीक। इसके अंदर भी आपके वैसे मैं नदियां दे रखी है, मिसिसिपी मिसोरी वगैरह सब नदियां दे रखी है, और इसमें भी दे रखी है, ठीक है। तो ये मतलब आपके कंपैरिजन वाला मैप आपको मिल जाएगा, जब मैप मिलता है तो उसका विस्तृत रूप से आप देखें जरूर, मैंने यहां पे बता दिया, उसके बाद में आपको वापस देखना जरूर है कि ये कैसे है, ठीक है। तो जब देखेंगे ना तो ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन मुख्य मुख्य जो बातें ध्यान में रखनी है। देखो ऐसे तो बहुत सारी बातें जो सारी की सारी क्लास में नहीं बताई जा सकती, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी परीक्षा के स्तर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वे चीजें मैं सारी की सारी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियों के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा माउंट मैकिनले, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो अलास्का में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो अलास्का में है, माउंट मैकिनले, ये देखो अलास्का, ये गल्फ ऑफ अलास्का, और यदि यहां पे देखोगे तो ये अलास्का, ठीक है, ये अलास्का और ये माउंट मैकिनले। अब कहीं कोई समस्या हुई, ये चीजें होती है मैप से समझने का फायदा, ये होता है माउंट मैकिनले आराम से आपके दिमाग में बैठ गई। और ये प्रश्न क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पूछे अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहां है। अब बताओ कहीं कोई समस्या होगी आपके सामने, अलास्का बस, और अलास्का कहां है वो भी आपको पता है, और कईयों को पता नहीं है कि लंदन अमेरिका में है कि ब्रिटेन में है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क अमेरिका में है कि ब्रिटेन में। अब ये जब मैप देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि कहां है, कैलिफोर्निया कहां है कोई पता ही नहीं किसी को, ठीक है। और कई दौरान तो भारत में ही पता कौन के, बेंगलोर का टेन, गोवा का टेन, तमिलनाडु का टेन, किन ध्यान ही कौन है कई जना। तो ये चीजें हैं साथियों, होता है स्टार्ट में सभी के होता है कि पता नहीं होता, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते हैं तब पता होता है कि अच्छा लंदन तो यहाँ है, न्यूयॉर्क वहां है, ये सारी चीजें है ना, वो ध्यान देने पर। प्रिटोरिया गांधी जी से संबंधित बहुत बार पढ़ा, प्रिटोरिया ध्यान ही को नहीं प्रिटोरिया है कटे, बस देखियो कि अच्छा दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया अटे है, जोहान्सबर्ग अटे है, किम्बरले अटे है, जनपद ध्यान पड़ गयो पूरा कि हाँ भाई साहब अटे गया गांधी जी पर। ये चीजें हैं साथियों जो आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। माउंट मैकिनले पता चल गया, माउंट लोगान जो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट लोगान कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। अब रॉकी पर्वत श्रृंखला आपको बताऊं क्या, रॉकी पर्वत श्रृंखला बताते चलिए, ये देखो ये जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। अब आपको कहीं समस्या नहीं होगी ना, रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। माउंट मिशेल अल्पेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अब अल्पेशियन पर्वतमाला अभी बताई थी आपको उस तरफ थी, है ना, जिसकी तुलना अपने किससे की जाती है, अरावली पर्वतमाला से की जाती है, ठीक है। तो माउंट मिशेल अल्पेशियन पर्वतमाला की है, माउंट एल्बर्ट रॉकी की है, माउंट लोगान कनाडा की है, ठीक है। तो लोगान कनाडा की है, उसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, लॉक, ठीक है। यहां से भी आप कुछ ना कुछ ट्रिक बना ही सकते हो, अब इतना तो आप लगातार क्लासेस देख रहे हो तो आपको भी आइडिया आ गया कैसे बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, ये नॉर्मल फैक्ट है,
जो आप सीधे याद कर सकते हो, ठीक है। माउंट मैकिनले सबसे ऊंची है, ये ध्यान रखना है, पूरे अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसको बोलने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है, इसको बोलने का अधिकार मैं देता ही नहीं हूं आपको, यदि आप मेरी क्लास देख रहे हो, इसको बोलने का अधिकार आपको नहीं है। फिर आ जाते हैं कुछ प्रमुख जिले, प्रमुख जिले, जिलों में आपके सबसे प्रमुख जिले तो ग्रेट फाइव लेक्स ही है यहाँ की, ठीक है, उसमें से ही सुपीरियर जेल है एक, ठीक है। सुपीरियर जेल क्यों प्रमुख है, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, या ताजे पानी की भी कह सकते हो, ठीक है, मीठे पानी की या ताजे पानी। अब मीठा पानी वही होता है जब ताजा पानी बार बार मिलता है तो मीठा पानी होता है, ठीक है, तो मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो ग्रेट फाइव लेक्स का ही हिस्सा है, ठीक है। अब ये कहाँ है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। अभी इसका स्पेशली ग्रेट फाइव लेक्स का अपन नक्शा देखेंगे तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। अब इसमें से देखो ये दोनों वैसे ग्रेट फाइव लेक्स में से दो झील है, तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को मिलाने का काम करती है वो है सू नहर, इसलिए इसको इस डायग्राम में सेट करके लिखा है ताकि आपको पता चले कि इन दोनों को मिलाने का काम, सू नहर किसको जोड़ती है, ऐसा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। फिर देखो ग्रेट फाइव लेक्स, ग्रेट फाइव लेक्स में आपके आ जाती है ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ठीक है, ये पांच जिले हैं, इनका मैं आपको मैप बताऊंगा अभी, उसके अनुसार आप याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओंटेरियो और इरी के बीच में तो आपके नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल्स, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य वाला नियाग्रा वाटरफॉल्स है, वो ओंटेरियो इरी के मध्य स्थित है। तो ये वैसे बहुत काम की चीजें हैं, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में सू नहर, मतलब ये वह मक्खन है जो सीधा सीधा आपको रोटिंग लगा खा जानो है, ठीक है ना, मतलब इसमें से कोई चीज भूल नहीं सकते आप, एक्स्ट्रा याद कर लो वो आपकी खासियत है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज भूलनी नहीं है, ठीक। अब कई विद्यार्थी पूछते हैं सर एक ये जरूर बताना चाहूंगा, कई विद्यार्थी सर ये क्लासेस पर्याप्त है क्या, सर वनलाइनर पर्याप्त है क्या, सर गाइड पर्याप्त है क्या, सर ये पर्याप्त है क्या, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पर्याप्त नाम का कोई शब्द नहीं होता, कुछ भी पर्याप्त नहीं है, अपन कोशिश कर सकते हैं निरंतर, और यदि कोई 100% गारंटी देता है कि मेरी क्लास देख लो ये पर्याप्त है या मेरी बुक पढ़ लो ये पर्याप्त है, तो वह व्यक्ति ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कोई पर्याप्त नहीं होता, एग्जामिनर अपन कोशिश कर सकते हैं एग्जाम का लेवल देख के कि हाँ इस लेवल पे आता है, आ सकता है पेपर, ठीक है, 90% 95% अपन कोशिश कर सकते हैं कि इसमें से सवाल बाहर नहीं जाए, 100% की गारंटी कौन लेता है, क्या गुरुजी ये पर्याप्त है क्या, अरे कोई पर्याप्त नाम की कोई शब्द होता ही नहीं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्या पर्याप्त है जीवन में, कुछ भी पर्याप्त नहीं, आपने 40,000 की जॉब लग गई आप फिर भी आपको मन में तो ये होगी कि और कमाऊं, पर्याप्त तो होता ही नहीं कहीं कुछ भी, ठीक है। तो पर्याप्त नाम इसको एक लिमिट लेकर चलना आप छोड़ दो कि हाँ हमारे लिए ये लिमिटेशन इतनी ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये नहीं चलता, ठीक है। हाँ 10th, 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, आपको पास होने के लिए क्या पर्याप्त होता है वो पता होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको रैंक बनानी होती है, मेरिट में आना होता है, तब जाकर आप सिलेक्शन पाते हो, तो यहाँ पे पर्याप्त नाम का आप कमेंट न करें तो अच्छा है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। प्रमुख नदियां, मिसिसिपी, ठीक है, यूएसए की सबसे लंबी नदी, ठीक है, मिसिसिपी जो है यूएसए की सबसे, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी आप कह सकते हो, यूएसए नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और इसकी सहायक नदी है मिसौरी, ये चलिए यहां लिख रखा है मैंने, सुपीरियर जेल से निकलकर, ये कहां से निकलती है, सुपीरियर जेल से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अब यदि आपने मैक्सिको की खाड़ी या सुपीरियर जेल की लोकेशन नहीं देखी होती तो आपको सिर्फ याद करना होता, नहीं तो अब आप समझ सकते हो कि सुपीरियर जेल से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ये गिरती है, मिसौरी इसकी सहायक नदी है, और ज्यादातर आपको पता है ऐसे ही पढ़ते हैं जब नदियां आती है, मिसिसिपी, मिसौरी साथ में लिखा हुआ मिलता है, तो जो नए नए विद्यार्थी होते हैं एक समझ लेते हैं कि मिसिसिपी मिसौरी है, जैसे मरे डार्लिंग, ठीक है, अब स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं मरे डार्लिंग, वो मुर्रे डार्लिंग है वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मरे डार्लिंग करते हैं, जैसे गुरु जी पढ़ाते हैं मरे डार्लिंग, अपन हंसना होता है डार्लिंग मरगी, ऐसा नहीं है, वो भी सहायक नदियों के ऊपर, दो अलग अलग नदियां हैं, और यहाँ पे भी मिसिसिपी मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं। इसके बाद में अपन आते हैं सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो झील से निकलकर
सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओंटेरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी खासियत यह है कि इस पर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्स्थलीय जलमार्ग बना हुआ है। अंतर्स्थलीय जलमार्ग बना हुआ है, ठीक है। इसकी विशेषता है कि अंतर्स्थलीय जलमार्ग बना हुआ है। और उत्तरी अमेरिका की विशेषता है कि इसके अंदर कोई भी मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं, लैंडलॉक नहीं। अब एक जने ने पूछा था कि सर स्थलबद्ध क्या होता है। स्थलबद्ध यानी चारों तरफ भूमि से ही गिरा हुआ, स्थल से ही गिरा हुआ, पानी कहीं भी उसके समुद्रों की सीमा नहीं लग रही, वो होते हैं स्थलबद्ध। लैंडलॉक पूरी तरीके से स्थल से ही पैक है, पूरी तरीके चारों तरफ स्थल ही है, वो होते हैं लैंडलॉक, ठीक है। अब इसी की जो है सेंट लॉरेंस की सहायक नदी है ओटावा, और ओटावा के ऊपर ही कह सकते हैं, वैसे है तो ये नियाग्रा नदी पर ही, स्पेशली नियाग्रा नदी पर ही है, लेकिन ओटावा की सहायक कह सकते हो आप नियाग्रा। तो नियाग्रा जलप्रपात है वो यहाँ पे है, और नियाग्रा जलप्रपात के अंदर प्रश्न ये बनता है कि ये कौन सी दो झीलों के बीच में है, तो ध्यान रखना कि ओंटेरियो और इरी, प्रश्न आपके ये बनेगा, ठीक है। ओंटेरियो और इरी के बीच में कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा, ठीक। स्पेशली इस फैक्ट को याद रखना, ठीक है। मेक्सिको की खाड़ी, देखो मेक्सिको की खाड़ी की विशेषता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी की विशेषता है देखो कनाडा में है, और यहां विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार और भाटा समझते हो ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय समुद्र के पानी का ऊपर और नीचे ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ज्वार भाटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? फंडी की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ग्वांटानामो की खाड़ी क्यूबा में स्थित है, और क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित सबसे बड़ा देश है। इसकी खोज भी किसने की? कोलंबस ने की, ठीक है। क्यूबा की भी समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा, और इससे बेहतर हो नहीं सकता। जो चीजें पढ़नी है वो सारी की सारी आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में बता रहा भी हूँ किसके साथ में क्या फैक्ट जुड़ा है, किसके साथ में क्या हिस्ट्री जुड़ी है, ठीक है ना। भविष्य तो बता नहीं सकते, बाकी हिस्ट्री बता सकते हैं। फिर आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे सीधे याद करने हैं अब अमेरिका से संबंधित। जैसे अन्य महाद्वीप में पड़े हैं वैसे ही यहाँ पे भी अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो विश्व का पहला तेल का कुआं, विश्व का पहला तेल का कुआं टिटुसविले नाम का है, जो पेंसिल्वेनिया के अंदर 1859 में खोदा गया। 1859 के अंदर टिटुसविले पेंसिल्वेनिया देश के अंदर, पेंसिल्वेनिया जो संघ राज्य है उसके अंदर खोजा गया, जो विश्व का पहला तेल का कुआं है, ठीक है। इसके अलावा देखो वॉशिंगटन डीसी, अभी अपन ने देखा वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन भी देखी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ विश्व बैंक का मुख्यालय है, और ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पोटोमैक, अब यहाँ पे साथियों ये जो फैक्ट दे रहा हूं ना मैं, महाद्वीप स्टूडेंट बहुत कम याद करते हैं इतना, क्योंकि याद नहीं रहता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे समझ रहे हो आधा तो आपको याद रहेगा, और इसके बाद में जो तैयारी करते हैं उनको पूछ के देख लेना, पूछना जिन्होंने क्लास नहीं देखी उनको पूछना वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है, पोटोमैक बता कौन सके, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा होगा ध्यान से नहीं बता सकेंगे, हाँ पढ़ा है व्यवस्थित स्तरीय तो बता सकेंगे। आप पूछ लेना लंदन कौन सी नदी किनारे है, आपको तो बताया है ना, तो फिर आप उस तरीके से फिर डिस्कशन करें, फिर आपको स्तर पता चलेगा कि हाँ वास्तव में हम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं कि हम बाकी अभ्यर्थियों से आगे हैं, ठीक है ना। ये चीजें आप अपने आप को परखा करें, या फिर क्वेश्चन मिलाओ, देखो वैसे टेस्ट सीरीज इसकी बन रही है, अपने राजस्थान की पूरी होते ही इसको लॉन्च कर देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस धमाकेदार बनी रहे। और टेस्ट सीरीज के मामले में सानी कोई नहीं है, हाँ कीमत के मामले में भी सानी कोई नहीं, कीमत डाउन टू अर्थ है, और टेस्ट सीरीज आपकी बुलंदियों वाली है, ठीक है। और इसी उसी कीमत के अंदर ये भी आपके लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर भारत विश्व और पॉलिटिकल इंडिया की, ठीक है। राजस्थान की तो राजस्थान वाले में ही टेस्ट सीरीज में दे देंगे, और इंडिया वाली पॉलिटिकल उसके अंदर दे देंगे, ठीक है। अब कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक। आपकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवा देंगे, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, सबसे बड़ी मांस मंडी कहां है? शिकागो के अंदर।
विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी। मांस से संबंधित देखो मांस कौन कौन से होते हैं अपने इस वन लाइनर के अंदर, इसमें भी दिए हैं पशुधन वाले टॉपिक में दिए हैं शायद, उसमें देख लेना। और क्लास में भी बताए थे कि गाय भैंस का मांस, सुअर का मांस, हिरण का मांस सभी अलग अलग कहलाते हैं, ठीक है ना, मुर्गी का, बकरे का, बकरी का, सभी मांस के वो नाम दिए। सबसे बड़ी मांस मंडी जो है साथियों शिकागो के अंदर। अब शिकागो भारत के किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। कनाडा और यूएसए के प्रेरिस घास के मैदान, प्रेरिस घास के मैदान है उनको यहां पे, क्योंकि गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादन होता है तो उनको कहा जाता है रोटी की टोकरी, ठीक है। यूक्रेन को अपन ने पढ़ा था रोटी की डलिया, और इन्हें कहा जाता है रोटी की टोकरी। अब प्रेरिस घास के मैदान की ये विशेषता है साथियों, बताते हैं कि वहां पे मतलब कोई खाद वाद इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां की मतलब जलवायु इतनी अनुकूल है इसके कि, और बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है, तो वहां मशीनों से बस मतलब बीज बिखेर दिया जाता है सीधा ही, और उसके बाद में वो पककर तैयार हो जाती है, इतनी अनुकूल है वहां पे, मतलब कोई देखभाल की जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी, ठीक है ना। और फिर एक बार बिखेर दिया उसके बाद में सीधी मशीनें लेके आते हैं और सीधी कटाई होती है, इतनी मतलब शानदार वहां पे गेहूं उत्पादन शानदार तरीके से होता है। और मशीनीकृत देखो, पुनर्जागरण, औद्योगिकरण सब कुछ वहां से अपने यूरोप से शुरू हुआ, लेकिन यूरोपी जो थे वही तो अमेरिका जाकर बसे सब धीरे धीरे, तो फिर वहां से वहां पे आपके असर दिखना ही है। तो फिर मशीनीकरण के युग के अंदर ये सारी चीजें फिर मशीनों पे आ गए पूरे, तो इसलिए गेहूं उत्पादन बहुत बढ़िया तरीके से, प्रेरिस घास के मैदान बहुत अनुकूल है इसके लिए, इसलिए इन्हें रोटी की टोकरी कहा जाता है। समझ में आ गया। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा के अंदर है, ठीक है। वैसे कनाडा देखा जाए तो रूस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा देश है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका इस तरीके से है, ठीक है। तो रुक्ची अबरा ट्री क्या है वो बताऊं, था भारत पढ़ाऊं ना जी टाइम बताऊं, भारत रो नंबर के एन के ट्री एन सब कुछ बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूस के बाद में कनाडा, ठीक है, ये सबसे बड़ा दूसरा देश है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है, ठीक है। पहला स्टार्ट में पढ़ता बंदरगाह क्या है कि एक बंदर और एक गा बंदरगाह, अरे यूं कौन है बंदरगाह यानी जो तट होते हैं ना वहां डॉक यार्ड बोलते हैं जिसको, जहां जहाज आते हैं। फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा बंदरगाह ये होता है, और अभी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पूछा जाता है कि बंदरगाह क्या है, उनको पता नहीं आता, यही कहेंगे आपको सीधा सीधा। आनंद तो आता है, देखो लगो नौकरी स्कूल जाओगे बहुत आनंद आएगा, पढ़ाने का भी आनंद, फिर उनको समझाने का भी आनंद आता है, और मतलब अच्छी खुशी होती है कि हमने इनको नॉलेज दिया है ये, और ये बच्चे हमसे सीखे हैं, और बच्चे बहुत आदर करते हैं जब आप वास्तव में दिल से पढ़ाते हो ना, तो स्कूल के बच्चे आपका बहुत आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनको भी पता चलता है कि हाँ ये शिक्षक हमारे लिए कितने समर्पण के साथ में पढ़ा रहे हैं। और जहां भी लगो दिल खोल के पढ़ाना, ये जरूर आपको कहूंगा मैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कैनेडी हवाई अड्डा है, ठीक है। मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है, देखो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादक कहां होता है, मैक्सिको के अंदर, ठीक है, सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के लिए सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। जो प्रसिद्ध कौन सी है, सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है, वो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। अब अपने भारत के अंदर बेंगलुरु के अंदर और ये काम ज्यादा होता है, तो भारत के अंदर बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखने थे। एक स्लाइड और है अपने पास में, इसके अंदर एक मैप है आपके ग्रेट फाइव फ्लैग्स का जो मैंने कहा था आपको दूंगा मैं, और दूसरे कुछ फैक्ट आपको और ध्यान में रखने वो है। तो यूएसओ की फिल्म नगरी जो अभी आपको बताई थी लॉस एंजिल्स है। यूएसओ का सिएटल शहर जो है साथियों वो वायुयान उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जाना जाता है। यूएसओ का डेट्रॉइट नगर जो है, जैसे जापान के भी आपको जापान का डेट्रॉइट बताया था, तो वो डेट्रॉइट की तुलना यहीं पे इससे ही की गई थी। तो यूएसए का जो डेट्रॉइट है वो मोटर कार निर्माण के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा ये एरिजोना मरुस्थल से एक बार सवाल बना था, ये ध्यान में रखना, एरिजोना मरुस्थल कहाँ है, यूएसए के अंदर है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन समझते हो ना, जहां से सब ट्रेनें अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा सकती है, तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो के अंदर है, ठीक। इसके बाद में अपन आ जाते हैं ग्रेट फाइव लेक्स पर, ठीक है। अब ग्रेट फाइव लेक्स में यदि देख पाओगे आप, ठीक है, चलिए ये देखो, ये है आपकी सुपीरियर झील। अब सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी झील, और यहाँ पे ये सेंट मैरी नदी निकल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको ह्यूरन से मिलाने का काम कौन करती है, सू नहर,
कौन करती है? सू नहर, ह्यूरन और सुपीरियर जेल को मिलाने का काम करती है। ये देखो यहाँ पे ये तो आ गई आपके लेक सुपीरियर, ये आ गई लेक ह्यूरन, ये इरी और ये ओंटेरियो, और यहाँ पे है आपके नियाग्रा फॉल्स, ये लिखा हुआ नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पे है, ठीक है। ये पेंसिल्वेनिया, यहाँ इसके नीचे यहाँ पेंसिल्वेनिया है जहाँ पे पहला तेल का कुआ खोदा गया, ठीक है। ओयो ओयो, ये सारे की यूएसए वाले वो सारे देश है, ठीक है। अब ये देखो मिसिसिपी रिवर, ये मिसिसिपी रिवर बेसिन है और ये सुपीरियर जेल से ही निकलती है, ठीक है, मिसिसिपी। तो ये चीज आ गई, ठीक है। ओंटेरियो इरी लेक मिशिगन, ये रही आपके मिशिगन, ठीक है। तो ओंटेरियो इरी मिशिगन और आपके सुपीरियर, ये सब मिलाकर पांच जिले हैं जो महान, पांच महान जिले कहलाती है, ठीक है, पांच महान जिले। और इसी की जो ये लोकेशन है वो ये रही, ये जो जिलों वाली जो लोकेशन है वो आपके यहाँ पे ये देख लो, ये रही आपके ग्रेट फाइव लेक्स बेसिन, ठीक है। तो ये आपके आ गई पूरी पूरी, ठीक। और यही चीज आपको समझनी थी, और ये पूरी की पूरी आपके एक दो तीन चार पांच, पांचों दिख रही है ना, एक दो तीन चार और पांच, कहीं कोई समस्या नहीं? तो अब विदा ले सकते हैं उत्तरी अमेरिका से और इस क्लास से भी। तो साथियों साथ साथ में रिवाइज करते रहना, ऐसा नहीं कि विश्व पढ़ रहे हो तो राजस्थान को पीछे छोड़ दो, ठीक है। राजस्थान पे बहुत दम रखना है क्योंकि रीट में भी काम आने वाला है और वीडियो के अंदर भी काम आने वाला है। रीट की वन लाइनर आपको जल्द देंगे, रीट की वन लाइनर पर फाइनल काम चल रहा है, फिर भी थोड़ा समय लगेगा, और फिर उसके बाद आपको इसका अपने राजस्थान वाली का सेकंड पार्ट मिलेगा। तब तक आप राजस्थान वाली को पढ़कर बिल्कुल तैयार रहें कि अब हमें राजस्थान वाली वन लाइनर में सिर्फ रिवीजन करना बाकी रहा है, अब हमारा वहां बिल्कुल एक एक लाइन एक एक शब्द उसमें पढ़ने लायक है, उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। साथियों सारी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सहज कर दी गई है, वहां पे आप छोड़ नहीं सकते कोई भी चीज, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से याद करो, जब तक वो आप पढ़कर बिल्कुल तैयार हो जाओगे तब तक आपको इसका पार्ट बी भी मिल जाएगा, और जितनी आपकी उम्मीद है उससे बेहतर तरीके से मिलेगा, और आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा ऐसा मुझे विश्वास है। देखते हैं कितना उतर पाते हैं वो। तो पढ़ते रहना, ढील मत छोड़ना, फर्स्ट ग्रेड भी आने वाली है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्पेशली कर रहे थे वही करें, बाकी जो सेकंड ग्रेड कर रहे थे वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। यही जो पकड़ के रखा है वही पकड़ के रखना है, विचलित नहीं होना है। दोस्त और पोस्ट देखकर विचलित मत होना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।